नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट 2020-21 सेशन का आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और इस वीडियो में लगातार देखते रहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर बताने वाले हैं कि किस तरह से आप 2020-21 का आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट आप किस तरह से निकाल सकते हैं बिल्कुल अपने मोबाइल के माध्यम से। तो आप ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो शायद आप मिस कर जाएंगे, तो इस वीडियो को आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है, सबसे पहले आपको आना है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको आना होगा। और आने के बाद ही इन सारे चीज़ों को चेक कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इस लिंक पे आना है। आने के बाद यहाँ पे सारे प्रोसेस को आप कर पाएंगे, जैसे कि इस वेबसाइट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उस वेबसाइट में डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे में आपको आना है, और यहाँ पे आने के बाद बेनिफिशरी डिटेल्स फॉर वेरीफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नए पेज ओपन होंगे, और पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको फ़िल्टर कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे पूरे देश का दिया हुआ है, तो पूरे देश में से आप अपने पंचायत तक जाएंगे फ़िल्टर करते हुए। जैसे कि हम यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद जिला, और उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, और ब्लॉक के बाद आपको यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। और पंचायत के बाद नीचे में आने के बाद आपका गांव का ऑप्शन आता है। जैसे कि यहाँ पे सेशन दिखाई दे रहा है, तो सेशन में आप यहाँ पे 20 और 21 ले लेंगे, तो हम यहाँ पे 20 और 21 ले रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे कैप्चा, आपको यहाँ पे जोड़ घटाव का चिन्ह दिया हुआ, उसमें आपको घटा लेना है। और घटाने के बाद जो ही बचता है यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। तो यहाँ पर 42 हो रहा है, तो 42 यहाँ पर टाइप करेंगे। और इसके बाद नीचे में एक मेन्यू छूट गया है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है, तो कैप्चा इस बार हमारा यहाँ पे 0 होने वाला है, तो 0 यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे यहाँ पे सबमिट करते हैं तो हमारे नीचे में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए हमारे सामने लिस्ट आ चुका है। और इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पर करने के बाद पूरे जो भी डेस्कटॉप साइज में यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ से फिर से हमको कैप्चा एक बार फिल करना है। तो यहाँ पे -6 होगा, तो वहाँ पे 6 हम टाइप करेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे। और ये देखिए आपके सामने लिस्ट आ चुका है, और इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जो भी है आपके पंचायत में उन सभी का यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहा है, और इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए, तो एक्सेल से यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम PDF पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो भी PDF में जो भी फाइल यहाँ पर कन्वर्ट होकर के हमारे सामने सेव हो जाते हैं हमारे मोबाइल में, और आप उसे आसानी से चेक कर पाएंगे। तो ये देखिए हमारे सामने डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड हो चुका है। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर वाइज दिखा रहा है, नाम और फादर्स नेम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे डेट भी दिखाई दे रहा है। और जो भी यहाँ पे सेंशन किया गया है उसका यहाँ पे डेट, यहाँ पे सब कुछ, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। कितने का यहाँ पर आपका आवास आएगा, और यहाँ पर 1,30,000 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। और यहाँ पे डेट 17/11/2020 लास्ट अमाउंट ट्रांसफ़र डेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सारा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का परेशानी हो रहा है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेकर के, नए टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय।